नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द स्केड्यूल टाइम. एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द स्केड्यूल टाइम. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. हमें क्या करना है यहाँ पे, ट्रेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. बट और हमें दिया है स्पीड और दिया है टाइम. सो यू नो फर्स्ट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. फाइंड आउट क्या करना है हमें, डिस्टेंस. सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, स्पीड इन टू टाइम. ओके, वी नो दिस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम. अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें स्पीड पता होनी चाहिए और क्या पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए. सो फर्स्ट हम लेते हैं लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ, सॉरी एक्चुअल क्या आएगा अभी, टाइम. एक्चुअल टाइम ऑफ ट्रेन, एक्चुअल टाइम ऑफ ट्रेन दैट विल बी इक्वल टू वाई किलोमीटर, दैट विल बी वाई आवर्स. ओके, एक्चुअल ट्रेन का जो टाइम होगा दैट विल बी वाई आवर्स, राइट. एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन दैट विल बी एक्स किलोमीटर पर आवर, एंड एक्चुअल टाइम ऑफ द ट्रेन दैट विल बी इक्वल टू वाई आवर्स, राइट. देयरफॉर डिस्टेंस फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन क्या आएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम. सो स्पीड कितना है, एक्स किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रहा है, वाई आवर्स. सो स्पीड कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स वाई किलोमीटर. स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन दैट इज इक्वल टू एक्स वाई किलोमीटर. अब यहाँ पे हमारे दो केसेस है. फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट विल टेक द फर्स्ट केस. उसमें क्या है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, एक्चुअल स्पीड कितनी जा रही है, एक्स किलोमीटर पर आवर. अब वो बढ़ेगी बाय 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक्स प्लस 10. ओके, देन इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द स्केड्यूल टाइम. टाइम कितना लग रहा है एक्चुअल, वाई, तो कितना टाइम कम लगेगा, 2 आवर्स लेस लगेगा. सो दैट विल बी वाई माइनस 2, राइट. मतलब सेम डिस्टेंस अगर हमें कवर करना है, राइट, इक्वल टू एक्स वाई, सेम डिस्टेंस हमें अगर कवर करना है, राइट, तो स्पीड हमारी फर्स्ट इनिशियली एक्स थी और टाइम लग रहा था वाई. अगर हमने स्पीड उसकी 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो हमें टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा. सो ये हुआ हमारी फर्स्ट केस. सॉल्व कर लेते हैं इसको. सो दैट विल बिकम एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू एक्स वाई. ठीक है, एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू एक्स वाई. तो यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा इक्वेशन हमें, माइनस साइन कर देते कैंसिल दोनों साइड से, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते, तो 2x माइनस 10y प्लस 20 इक्वल टू 0. ओके, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या इक्वेशन मिलेगा, देयरफॉर एक्स माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0. ये हुआ हमारा इक्वेशन 1. यहाँ पे क्या किया हमने, सिंप्लिसिटी के लिए 2 से डिवाइड किया. सो बनेगा एक्स माइनस 5y, 20 का हो जाएगा 10, सो दैट इज इक्वल टू 0. अब हमारी सेकंड केस क्या थी, सेकंड केस में आता है इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर्ड बाय 10 किलोमीटर, मतलब पहले इनिशियली एक्स था, स्पीड कम हो गई 10 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या हो जाएगा, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, मतलब वाई प्लस 3, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, सो दैट इज इक्वल टू एक्स वाई.
सो x माइनस 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू एक्स वाई. क्या किया हमने, x से पहले मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई इंटू 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू एक्स वाई. एक्स वाई एक्स वाई कैंसिल हो गया, राइट. क्या मिला हमें यहाँ पे, 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू जीरो. ये हुआ हमारा इक्वेशन टू, राइट. 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वेशन टू. अब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस बन गए. इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, ये x है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 10 है. तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बिकम माइनस 10y, राइट. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो इट विल गेट, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2x माइनस 10y प्लस 20 इक्वल टू जीरो. सो दिस इज इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2. यहाँ पे 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू जीरो. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है. तो क्या मिलेगा हमें, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 3x. सो 2x माइनस 3x दैट विल बी माइनस x प्लस 50 इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 50. x क्या है हमारी, स्पीड ऑफ द ट्रेन, एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन. सो दैट विल बी x इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर. अब y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सेम इक्वेशन में पुटअप करेंगे इक्वेशन 1 में. देयर फोर इक्वेशन 1 बिकम्स x इज इक्वल टू 50 है, सो 50 माइनस 5y प्लस 10 है, तो इस साइड 10 लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10. सो माइनस 5y इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस 60, राइट. सो y इक्वल टू होगा 12. क्या है, दैट इज द एक्चुअल आवर्स, ओके, टाइम टेकन, राइट. सो y इज इक्वल टू 12 आवर्स, x इज इक्वल टू 50. निकालना क्या है हमें, डिस्टेंस. देयर फोर यहाँ पे हम लिखेंगे, देयर फोर डिस्टेंस इक्वल टू x इंटू वाई, सो दैट इज इक्वल टू वॉट, 12 इंटू 50, सो दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 50 इज इक्वल टू 600 किलोमीटर. दिस इज द आंसर दैट वी वॉन्ट, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड. सी क्या किया हमने इसमें, एक्चुअल स्पीड ली x किलोमीटर, हमें निकालना था डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें चाहिए स्पीड एंड टाइम. तो हमने क्या लिया, पहले एक्चुअल स्पीड x, एक्चुअल टाइम y, राइट. सो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा दैट विल बी एक्स वाई किलोमीटर. फिर हमें दो केसेस बताई, फर्स्ट केस में अगर स्पीड 10 किलोमीटर से ज्यादा होता है तो टाइम 2 घंटे कम हो जाता है, डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, सो दैट इज इक्वल टू एक्स वाई. ये फर्स्ट कंडीशन हुई, फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला. सेकेंड कंडीशन में 10 किलोमीटर अगर स्पीड कम होती है और तो क्या हो जाएगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा. तो ये हुई सेकंड कंडीशन. तो हमने सेकंड इक्वेशन लिया, दोनों इक्वेशन को फिर हमने सॉल्व कर लिया बाय एलिमिनेशन मेथड. तो हमें x इज इक्वल टू वैल्यू मिली, y इज इक्वल टू वैल्यू मिली, बट x क्या था, दैट इज द स्पीड, और y क्या था, दैट इज द टाइम टेकन, दैट इज द आवर्स. सो हमें फाइंड आउट करना था डिस्टेंस. डिस्टेंस इज नथिंग बट x इंटू y, डिस्टेंस इज नथिंग बट x इंटू y, सो 12 इंटू 50, दैट्स वाई इट विल बी 600 किलोमीटर डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन दैट इज इक्वल टू 600 किलोमीटर.